और देश भर में चल रहे सीए के विरोध के बीच में पानीपत में आज सीए के लिए जागरूकता रैली निकाली जाएगी। बड़ी खबर से फिलहाल आपको रूबरू करवा रहे हैं। पानीपत में सीए के समर्थन में बीजेपी की जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता भी यहां पर मौजूद हैं और लगातार सीए की अगर बात की जाए तो सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि लोगों में फिलहाल कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, लोग पूरी तरीके से इसके बारे में जानकार नहीं है, लोगों को इस मामले में इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने यहां पर टारगेट सेट किया है कि जन जन तक पहुंचाना है कि आखिर सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आखिर है क्या। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर फिलहाल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो सीए के समर्थन में यहां पर बीजेपी की जागरूकता रैली है, जहां एक तरफ देश भर में सीए के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ऐसे में बीजेपी जन जन तक यहां पर सूचना पहुंचा रही है, जन जन तक पहुंचा रही है कि आखिर सीए देश के लिए क्यों जरूरी है। और इसी के लिए आज पानीपत में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं और सभी सीए के समर्थन में जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। कैब से लेके सीए तक बनने तक यहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के तमाम हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार अपने फैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में यहां पर लोगों को जागरूक करना जरूरी है। बीजेपी ने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि जन जन तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाएगी कि आखिर सीए आखिर है क्या और दूसरी बात देश के लिए क्यों जरूरी है। तीसरी चीज, ये भारतीयों को के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये प्रवासियों के लिए है। और किस तरीके से सीए के खिलाफ लोगों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है, इस स्थिति को भी बीजेपी साफ करने का दावा कर रही है। बड़ी खबर से फिलहाल आपको रूबरू करवा रहे हैं। पानीपत में बीजेपी की जागरूकता रैली है सीए के समर्थन में, जहां एक तरफ सीए के विरोध प्रदर्शन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए समर्थन की तो बीजेपी और तमाम ऐसे भी चेहरे हैं जो उसको समर्थन दे रहे हैं। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद कार्यक्रम में मौजूद हैं, यहां पर लोगों को जागरूक करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि सीए आखिर है क्या, क्योंकि तमाम तरीके के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं सीए को लेकर। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको पानीपत, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जनता को संबोधित कर रहे हैं। वहां से पलायन करके चाहे आसाम में आ गए, चाहे बंगाल में आ गए, अभी मानवता के नाते देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा उसका सुखी जीवन होना चाहिए, सम्मान जीवन होना चाहिए। ये हम भारतवर्ष के लोगों की संस्कृति है। हम हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु मनाः, सारी दुनिया ये सुखी रहनी चाहिए, दुखी कोई नहीं होना चाहिए, सब लोग ही होने चाहिए, दुखी कोई नहीं होना चाहिए, सबको सुख मिलना चाहिए। आज ये बात ये मानवता के नारे भी कह रहे हैं। हम भारत के नागरिक पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। कहीं भी कोई दर्द होगा, पीड़ा होगी तो उसको हम समझेंगे। हमारे यहाँ के संत ऋषि मुनि सारी दुनिया में जाते रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं, दुनिया को सुखी करने के लिए एक अपने देश का संदेश जा रहा है। लेकिन हमारे पड़ोस के देश में अगर कोई दुखी है तो उसका ध्यान हम क्यों नहीं रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे। और मित्रों, इस बात को लेकर के देश की संस्थाओं ने उस समय आवाज उठाई, कांग्रेस ने भी आवाज उठाई थी, कांग्रेस ने भी कहा था ऐसे सब लोगों को जो आसे आते हैं शरण में आते हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। 1955 में देश आजाद होने के 8 साल के बाद इस देश के अंदर एक नागरिकता का कानून बना और उस नागरिकता के कानून के आधार पर हम समय समय पर यह कानून इसके अंदर विस्तार करते आए, संशोधन करते आए, इसको एक्सटेंड करते आए। 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय भी राजस्थान, गुजरात,
अगर पाकिस्तान से आए हुए ऐसे हिंदुओं के लिए सिखों के लिए बहुत ही आबादी आई थी, उनको नागरिकता देने के लिए उसी कानून के अंतर्गत उनको नागरिकता दी गई। 2010-2011 में भी जब यूपीए की सरकार थी केंद्र के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय की भारत उस समय की विदेश मंत्री प्रवीण कौर ने विदेश राज्य मंत्री ने हिंदुओं के उत्पीड़न की चिंता की थी। और 2012 के अंदर भी आसाम के मुख्यमंत्री उन्होंने 20 अप्रैल 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि जो हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है, इन लोगों की पीड़ाओं को हमको ध्यान करना चाहिए और वो जो बचा हुआ काम नागरिकता का है वो चाहे आसाम में लोग हो चाहे बंगाल में हो उनके सुख के लिए कानून के अंदर करके और कानून बनाना चाहिए। जिस एनसीआर की वाराणसी बात कर रहे हैं वो एनसीआर हमने लागू नहीं किया, ये 2010 में कांग्रेस के टाइम लागू हुआ था। मित्रों बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आई कि इसको ठीक प्रकार से लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 के अंदर निर्णय दिया था कि एनआरसी को लागू किया जाए। अवैध नागरिक है उनको छोड़ करके जो इस देश के अंदर इस देश के प्रति आस्था रखते हैं, प्यार में रहते हैं, उनको यहां लाया जाए और उनको बसाया जाए। तरह तरह के प्रशासन खड़े कर रहे हैं हमने लोग, जब अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रवाद की बात लगातार लगाते हुए आज ये पकड़ उठाया कि सिटी डेवलपमेंट एक्ट इसको पारित कराया। मैं बधाई दे रहा हूं कि इस पिछले 10-4 दिन पहले इस कानून को अमली जामा बना दिया गया है, अब ये पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, अब कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया वो इसकी लाभ उठाकर नागरिकता ले सकता है। विरोध करने वालों के लिए चैप्टर बंद हो गया, कोई इसमें बाकी की बाहर बची नहीं है, क्योंकि हमने शुद्ध मन से इसको लागू किया है। मित्रों इसको मानवता के आधार पर लागू कर रहे हैं, अगर इसको लागू नहीं करते तो मानवता नहीं बचेगी हमारी, हम मानवता के ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। तो जो ह्यूमन राइट्स का है, जो लोग वहां पीड़ित हैं, यहां आते हैं, शरण में आते हैं, उनको नागरिकता देने का काम वैसे तो नागरिकता कानून में पहले से भी है। 11 साल में किसी को भी अपना आचरण आचार करके और नागरिकता की शर्तों को पूरा करने के बाद नागरिकता मिल जाती है। ऐसा नहीं कि पहले नागरिकता नहीं मिलती और किसी को भी मिलती है। इस कानून के अंतर्गत तो केवल एक प्रावधान किया गया है, क्या कि उनका समय सीमा जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं उनकी समय सीमा को खत्म किया गया है। अब 5 साल पहले भी जो लोग आ रहे हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, इतना ही अंतर किया है। और इसके अंतर्गत हम हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी इनके लिए रास्ता खोला है। मैं बता दे रहा हूं क्या अगर कोई मुस्लिम भी पीड़ित होता है उसको भी जलालत सहन करनी पड़ती है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, और यहां करके वो रहना चाहता है और वो यहां की नागरिकता की शर्तें पूरी करता है तो 11 वर्ष बाद उसको भी नागरिकता मिल सकती है, कोई रोक नहीं सकता है। ये कानून में कहीं भी नागरिकता का विरोध नहीं है, केवल एक प्रावधान कि जो लोग हमारे देश की तरफ आशा लेकर आ रहे हैं उनको एक विश्वास से आते हैं कि मेरा कौन है, मेरा घर दोस्ता है, जो अपने घर को मान कर आ रहा है उसको विश्वास पहले नहीं दिया और कुछ नहीं किया गया। और पिछले 5 साल में 566 नागरिकता दी गई है। ये जो मुसलमानों ने तरह तरह के घर तरह कर रहे हैं, क्या कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। मैं दावे से कहता हूं इस कानून में प्रावधान केवल नागरिकता देने का है, छीनने का बिल्कुल नहीं है। नागरिकता छीनी नहीं जा सकती इस अमेंडमेंट के कारण से,
नागरिकता दी जाती है, किसको कब दी जाए, जो देश का पुत्र करे, भारत को मान करे, यहाँ रहता है तो धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके भी उसको नागरिकता दी जाएगी। इस देश का पुत्र बनकर रहने के लिए जो तैयार है, जो इस देश को भारत माता कह रहा है, वो मजहब से ऊपर उठ करके आए, देश का पुत्र बनकर रहे, उसके लिए नागरिकता सुरक्षित है।